विज्ञान लोकप्रियता कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शिमला द्वारा हमीरपुर महाविद्यालय में दूसरा व्याख्यान आयोजित किया गया। डॉक्टर किरण कटोच ने एक स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण और बाहरी पर्यावरण के अंदर जीवन कैसे अलग है के बारे में बात की। उन्होंने पर्यावरण में गिरावट और भारत में संरक्षण प्रयासों के इतिहास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, पुराने परंपराओं में बदलाव करके और पुराने दिनों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। प्रोफेसर पी के आलूवालिया ने पर्यावरण संरक्षण पर अपनी बात रखी। उनकी यह सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साहा की 125वीं वर्षगांठ है और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत ही रोचक तथ्य प्रस्तुत किए गए। कैसे असफल व्यक्ति ने इतिहास में 1905 को चमत्कारी वर्ष बना दिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परिणीता ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हिमकोट की भूमिका के बारे में बात की। व्याख्यान के दौरान लगभग 1000 विद्यार्थी और विज्ञान स्काई एवं हिमकोस्ट स्टाफ उपस्थित रहा। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विन जम्बयाल ने कहा कि विज्ञान के प्रति छात्रों की जिज्ञासा का सेमिनार में दूर किया जाएगा और यह सेमिनार छात्रों के लिए बहुत बढ़िया है। इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ती है। का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये हमारी जो हिमकोस्टो जो स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है और लगभग हमारी जो स्टेट काउंसिल है 12 इनकी मेन एक्टिविटीज रहती हैं, 12 कार्यक्रम रहते हैं जिसके तहत ये जो कार्यक्रम है पॉपुलर सीरीज लेक्चर्स का कि कॉलेजेस के अंदर जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस की जो लेटेस्ट हमारी उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में हमारे जो वरिष्ठ साइंटिस्ट जिनको हम बड़े ही कहेंगे कि पॉपुलर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको दूर दूर से बुलाकर उनको उनके बारे में वो ज्ञान अर्जित करवाते हैं। ये सीरीज लगभग हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जो कॉलेजेस जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं उनमें ये सीरीज आज चली हुई है अलग अलग डेट्स में। और जहाँ तक हमीरपुर की बात है, ये दूसरी बार हो रहा है आज कि हमीरपुर के हमारे जो फर्स्ट ईयर के साइंस के स्टूडेंट्स हैं लगभग 800 इस जो हमारा साइंटिस्ट हैं उनके लेक्चर्स को बड़ी ही लगन के साथ उनको सुन रहे हैं और उन छात्रों को उनके अंदर जो भ्रमित हैं अगर वो किसी विचार के लिए साइंस के प्रति या जो वो लेक्चर दे रहे हैं उसमें उनको कोई समझ नहीं आ पा रही है तो उसके बारे में वो प्रश्न भी करेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर हमारे साइंटिस्ट उनको देंगे और उनके अंदर जितनी भी भ्रांतियाँ अगर उनके माइंड में रहती हैं तो उनको भी दूर किया जाएगा। और साथ में समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए एक बहुत ही एक्सपोजर ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है, बच्चों के अंदर साइंस के प्रति रुचि भी बढ़ती है और साथ में बच्चे जो हमारे बड़े और महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है उनके बारे में जानने का भी मौका मिलता है और उनके जीवन का अनुसरण करके उनके कार्यशैली का अनुसरण करके वो अपने आप को महान बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही कार्यक्रम हम स्कूलों में भी चला रहे हैं, उसको हमने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के साथ जोड़ा हुआ है। वही प्रोफेसर पी के आलूवालिया ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में पॉपुलर साइंस सीरीज के तहत कॉलेज में छात्रों को वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि साइंस के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य के लिए ये सेमिनार किया गया है जिसमें विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। आज हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की तरफ से एक स्पेशल सीरीज प्रदेश भर में शुरू की गई है जिसके अंतर्गत ये एक पॉपुलर साइंस सीरीज का लेक्चर करवा रहे हैं और जगह जगह प्रदेश में कॉलेजेस में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्कूल्स में जाकर के विद्यार्थियों के साथ जो सीनियर साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स होने से उनको साइंस के प्रति जागरूकता का इनका भाव जगाने की कोशिश है। आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो दो विषयों पर केंद्रित है। यह वर्ष देश के विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 125 वर्ष पहले कुछ ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया था जिनमें सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, पीसी महलानोबिस और सीवी रमन जैसे नोबेल प्राइज़ विनर वैज्ञानिकों ने खूब काम किया। आज का जो एक सेशन इस सारे कार्यक्रम का है वह केंद्रित है इन्हीं क्वांटम इंडियंस के ऊपर जिनके विषय में विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जाएगी और उनके क्या आदर्श रहे, उन्होंने
इतने कठिन परिस्थितियों में कैसे रिसर्च का काम किया और विश्व में ख्याति अर्जित की, ये विषय जो है उस पर ध्यान केंद्रित रहेगा। और ये जो नई जनरेशन है उनको ये बताना ज़रूरी भी बहुत है कि जब आज हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा विश्व में विज्ञान में एक बहुत ऊंचा स्थान हो, तो हमारे लिए ये सारे वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा और सी वी रमन जो हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और ऐसे ही पॉपुलर साइंस सीरीज लेक्चर के माध्यम से जो इस नई जनरेशन को हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या अनुसंधान उन्होंने किए और उन अनुसंधानों का विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों ने कैसे स्वागत किया और उनको समझने की कोशिश भी की। यही आज के जो ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर है उसमें ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बहुत विद्यार्थी आए हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं, बहुत उत्सुकता से भाग ले रहे हैं, काफ़ी ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं और अपने प्रश्नों का समाधान भी पा रहे हैं।